एंड मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूं अपने गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अच्छे बिजी होंगे। हमने दोस्तों अपनी बोगनविलिया की प्रूनिंग कर दी थी, तो प्रूनिंग के बाद हमको ये रिजल्ट मिला है। देखिए अब हमारे बोगनविलिया पे काफ़ी फ्लावर आ गए हैं, पर ये अभी सिर्फ कली है कहा जाए, अभी ये पूरी तरह से खिले नहीं है। देखिए हमने यहाँ से अपनी ब्रांचें कट की थी, तो यहाँ से हमको ये देखिए एक ब्रांच हमने कट की और हमें उसके साथ देखिए कितनी ब्रांचें मिल रही हैं। दोस्तों किसी भी प्लांट के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, इससे प्लांट घना और बूसी प्लांट हो जाता है। देखिए हमने यहाँ से कट की थी, तो दोस्तों ये देखिए जितनी नई नई ब्रांचें निकलेंगे उतने ही फ्लावर की संख्या बढ़ेगी, उतने ही हमारा प्लांट बूसी हो जाएगा और देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट लगेगा। दोस्तों आप भी अगर अपने बोगनविलिया प्लांट को बूसी प्लांट करना चाहते हैं तो उसकी कटाई ज़रूर कीजिए। दोस्तों चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं कुछ दिन बाद, 25 दिन बाद। दोस्तों अब हमारे बोगनविलिया के प्लांट में फ्लावर लगभग खिल चुके हैं 80%। दोस्तों अब ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये हमारे टेरेस गार्डन को चांद चांद लगा देता है। दोस्तों ये सभी का ध्यान अपने तरफ खींचता है। दोस्तों देखिए इस पे नई नई ब्रांचें भी आ गई हैं। दोस्तों इस प्लांट को हमने फरवरी में रिपोर्ट किया था, उसी समय हमने इसमें बोन मील, नीम खली और DAP हमने इसमें डाले थे, और हर 15 दिन के बाद हमने इसमें बर्मी कंपोस्ट डाली। तो दोस्तों देखिए उसका ये हमें खूबसूरत रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों आप भी अगर अपने बोगनविलिया पे फ्लावर चाहते हैं तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। दोस्तों हमने इसकी प्रूनिंग की वीडियो बनाई थी, जो आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।